देखिए, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखी है। आंतरिक सुरक्षा पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सुरक्षित रखा हुआ है, और यही कारण है कि आज हमारा गृह मंत्रालय जो है, उसके जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने इस पे एक कठोर निर्णय लेते हुए और सही निर्णय लेते हुए PFI को 5 साल के लिए बैन किया है। और यही नहीं, देश भर में एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई PFI पे हुई है, और उसके अंदर मतलब हजारों की संख्या में PFI के लोग पकड़े गए हैं, और उसको उनको अरेस्ट किया गया है और उनपे फिर कार्रवाई होगी। देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित रहे यह आवश्यक है, और इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, उसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो इसके लिए प्रतिबद्ध। नहीं नहीं PFI कर क्या रहा था, पूरे के पूरे आतंकी घटनाएं को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे एक जो आतंकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, उसको चला रहा था। जो खबरें आ रही हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं बाहर से, उसको सपोर्ट कर रहा था। ये सब चीजें हैं, यहां तक कि कहीं कहीं जो आंदोलन हो रहे हैं, धार्मिक आंदोलन जो हो रहे हैं, उसमें PFI का हाथ है। ये सब चीजें जो सामने आई हैं, उसके आधार पर जो निर्णय गृह मंत्रालय ने लिया है, अमित शाह जी ने लिया है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार ने लिया है, उसको जितनी भी सराहना की जाए वो कम रही।